आज के दिन फार्मा के दो बड़े एग्जाम यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर और एम्स पटना, कैसे रहे ये एग्जामिनेशन, बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नमस्ते एकेडमी, दिस इज हिमांशु। जी हां, आखिरकार 19 अगस्त जो है वो आ ही गई और जैसा कि आप सभी जानते हैं फार्मा रिगार्डिंग दो बड़े एग्जामिनेशन आज कंप्लीट हो चुके। पहला एग्जामिनेशन यूपीएससी का आपका जो है वो ड्रग इंस्पेक्टर का और दूसरा एम्स पटना का आपका एग्जामिनेशन जो है वो भी आज कंप्लीट हो चुका। जी हाँ, जैसे जैसे आप सभी जानते हैं कि एम्स में अभी तो कई कई वैकेंसी का नोटिफिकेशन मतलब फॉर्म स्टार्ट भी होने हैं, जबकि एम्स पटना का एग्जामिनेशन भी आज कंडक्ट हो चुका है। कैसा रहा एग्जामिनेशन, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि एक हमारे सब्सक्राइबर है जिन्होंने पूरा बहुत ही अच्छे डिटेलिंग से बताया है कि सर एग्जामिनेशन जो है कैसा रहा, इसके बारे में बात करेंगे। और फिर जो रिजान और कुछ आ रहे हैं, मतलब काफी सारे स्टूडेंट ने जो बोला उसके हिसाब से मैं बताऊंगा आपको कि क्या कुछ कट ऑफ भी रह सकती है, अप्रोक्स देखेंगे और कैसा पेपर था, मतलब कैसा हार्ड था नहीं था। तो ये हमारे एक सब्सक्राइबर है, थैंक यू सो मच, इन्होंने प्रॉपर वे में एक रिव्यू किया है और कितना आप सहमत करते हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताना। जी हाँ, तो विष्णु बोल रहे हैं, देखिए एम्स पटना में सर टोटल जो है वो 100 क्वेश्चन आए थे जिसमें कि पेपर जो है वो मॉडरेट टाइप था, है ना। जैसे जैसे रिव्यू आ रहे हैं, जैसे जैसा मुझे लग रहा है मॉडरेट टू हार्ड इसको बोल सकते हैं, क्योंकि काफी स्टूडेंट बोल रहे हैं सर थोड़ा सा टफ था पेपर, ऐसा पेपर देखा मेरे को तो सही नहीं लग रहा, इस हिसाब से रिव्यू जो है वो आ रहे हैं ना, तो मॉडरेट टू हार्ड अपन इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट, इन्होंने बहुत ही अच्छे से एनालिसिस किया है, लिखा है सर कोलोजी जो है वो 8% आई थी, एचएपी 6% आई थी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही 6% आई थी, बायोकेमिस्ट्री 4% आई थी, सुटिक्स फर्स्ट एंड सेकंड सबसे ज्यादा पोर्शन जो है इनके अकॉर्डिंग सुटिक्स का आया था, है ना, फार्मास्यूटिक्स का, और जुरिसप्रूडेंस का आपका जो है वो 15% आया था, है ना, 15% जुरिसप्रूडेंस। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कल परसों में ही, है ना, जुरिस के रिगार्डिंग हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो भैया जुरिस तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, और एचईसीईपी का आपका 8% आया था, है ना। तो ऑल ओवर अगर देखें तो एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो इस हिसाब से रहा था। ये बता रहे हैं पेपर जो है वो मॉडरेट लेवल का था, तो और भी काफी सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं जिससे मुझे पता चलता है मॉडरेट टू हार्ड बोल सकते हैं। देखिए यूजुअली पेपर ऐसा ही आता है, कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, कुछ बहुत अच्छे आते हैं और कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छे आते हैं, यही एग्जामिनेशन का पैटर्न रहता है। और इन्होंने एक बात लिखी है कि सर जो क्वेश्चन है 70% क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट रिगार्डिंग थे। अब स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैसे, क्योंकि देखिए आजकल जो पैटर्न है वो इस हिसाब से आता है क्योंकि कंपटीशन बड़ा तगड़ा होता है और एलिमिनेशन करना पड़ता है, क्योंकि सभी सब अटेंड कर लेंगे तो कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई चली जाएगी, तो स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्वेश्चन जो है वो काफी ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं, इस हिसाब से यहां पे रहता है। अब बात आती है सर रिसेंटली जो एम्स का एग्जामिनेशन हुआ था उसकी कट ऑफ क्या कुछ रही थी, तो देखिए यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा 72 जो है उसकी कट ऑफ रही थी। अब आपका एग्जामिनेशन पेपर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ना, आने वाले समय में जो भी आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं वो कमेंट कर लेना, जितने भी आ रहे हैं वो कमेंट कर लेना, आने वाले वीडियोस में एक पूरा सेटअप पीडीएफ बना देंगे और इसको एम्स पटना के एग्जामिनेशन पेपर को भी हम डिस्कस कर लेंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आज जो एग्जामिनेशन में पेपर देके आए जो भी क्वेश्चन याद आ रहे हैं कमेंट करके बता देना, क्योंकि मेमोरी बेस ही काम आएगा, वैसे एक दो दिन बाद पूरा पेपर ही जो है वो अपन डिस्कस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो रिसेंटली जो है वो 72 गई थी और इस हिसाब से मॉडरेट टू हार्ड बता रहे हैं, तो मुझे भी ऐसा लगता है अप्रोक्सीमेटली जो है, इन जनरल की मैं बात कर रहा हूं, बाकी तो जब भी एग्जाम होगा पेपर देखेंगे क्वेश्चन देखेंगे उसके बाद क्लियर होगा, 65 to 70 मान सकते हैं आप, फिर आपकी क्या राय है वो भी बता देना, ये वाली बात है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सर यूपीएससी का एग्जामिनेशन, है ना, ड्रग इंस्पेक्टर की जो 25 पोस्टें थी भैया, ये पेपर जो है वो थोड़ा अच्छा आया, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा अच्छा लेवल का आया, क्योंकि यहां पे आप देखेंगे 70 से 80% स्टूडेंट जो है वो ऐसा बोलेंगे कि सर पेपर हार्ड था और 20% बोलेंगे ठीक ठीक था सर, ठीक है। बट क्वेश्चन को आप देखेंगे तो वाकई में आपको लगेगा अब ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम है तो पेपर का लेवल तो है वो उस हिसाब से बनता ही बनता है। तो इस हिसाब से काफी सारे पेपर का ये पैटर्न था, क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि सर ये जो पेपर आया है इस पीडीएफ की फॉर्म को हमें मिल सकती है क्या, तो जी हाँ, ये पीडीएफ की फॉर्म जो है वो आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा। कहां से अवेलेबल कराऊंगा ये भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए काफी सारे क्वेश्चन है, जैसे कि ये क्वेश्चन को हम देखते हैं, यहां पे आप देख पा रहे हैं कि मेडिकल डिवाइस, है ना, रिसेंटली मैंने आपको एक बात बताई थी जब भी वैकेंसी के बारे में क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि भैया मेडिकल डिवाइस वाला जो टॉपिक है वो आपको पढ़ के जाना, और यहां पे मेडिकल डिवाइस का आपको यहां पे क्वेश्चन दिख गया। अब क्यों देखा, क्योंकि जो भारत सरकार है वो मेडिकल डिवाइस पे बहुत ही अच्छे से काम कर रही है, सारे रूल्स रेगुलेशन नए आ रहे हैं, आपने भी काफी सारी सुना होगा, तो यही पूछा है मेडिकल डिवाइस अंडर द मेडिकल रूल्स 2017 में, है ना,
कौन से कब आए हैं अपडेटेड 2017 हैज बीन क्लासिफाइड इन विच फॉलोइंग क्लासेस है ना। जी सर, इसका आंसर है क्लास ए बी सी डी है ना, क्लास ए बी सी डी, जिसमें कि ए में क्या आता है सब सबसे लोएस्ट, यानी कि आपका कोटल हो गया, नीडल हो गया, ये सारे मेडिकल डिवाइस क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे जो स्पेग्नोमैनोमीटर है, बीपी वाला मीटर है, वो वाला आएंगे। टाइप सी में क्या आएंगे सर, सी में जो है जितने भी आपके जैसे कि वेंटिलेटर हो गए, ये सारे कैटेगरी मतलब थोड़े अपर ग्रेड के मेडिकल डिवाइस, और डी में ऑक्लूजन वाला जो है वो आ जाएगा, है ना। तो सिस्टमैटिक वे से पूरा सिस्टमैटिक प्रॉपर एकदम क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे लेवल का था। अब ये तो समय ही बताएगा इसके क्या कुछ कट ऑफ रह जाएगी, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और हाँ, मैं आपको बता रहा था ये पेपर अगर आपको चाहिए यूपीएससी वाला आज के दिन का, है ना, तो देखिए यहां पे आप देख पा रहे हैं आज ही एग्जामिनेशन हुआ, आज ही पेपर अवेलेबल करवा दिया। ये सारी बातें जो है वो आपको कहीं ना कहीं सही लग रही है। एक फार्मा फील्ड को लेकर हम बहुत ही अच्छा एक विजन रखते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना भाई। और आज का पेपर अगर चाहिए तो अभी कुछ ही दिनों मतलब कुछ ही घंटे बाद जो है यहाँ पे पेपर भी अपलोड हो गया, आइकन आ गया यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम 19/8/2023 डाउनलोड है ना, तो इसको भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा अभी कुछ ही दिन बाद, कुछ ही देर बाद आप यहां से इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, अब आपने अगर ड्रग इंस्पेक्टर और एम्स पटना का एग्जामिनेशन देखा है दिया है तो आपकी ड्यूटी है कि आप लोगों को, पटना वालों को तो क्वेश्चन भी लिखना है और क्या रिव्यू आपको आपके हिसाब से बताना है। ओवरऑल सारे कमेंट पढ़कर और भी हम अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे। ये सब कब पॉसिबल होगा, क्योंकि आपने एग्जामिनेशन दिया है तो उस हिसाब से हम प्रॉपर वे में एक रिव्यू ले सकते हैं। कैसा लगा इन्फॉर्मेशन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।